तैयार होंगे सेठी साहब, थोड़ी देर में आने के लिए तैयार है, मेरे भी डेटा तैयार होते दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मारुति में जो दमदार तेजी आई है उस पर कर लेते हैं फोकस। ब्रोकरेज हाउस बुलिश है, कुछ कुछ नए नए डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। आज मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की, मारुति के टॉप मैनेजमेंट से, ढेर सारा एक्शन हो रहा है मारुति में, 10,000 के पार निकलने की तैयारी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुशल कह रहे हैं। ऐसा मैं भी नहीं कह रहा सर। तो कौन कह रहा है फिर? बैंक ऑफ अमेरिका, बताओ उसका। सो बैंक ऑफ अमेरिका की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है, और 10,500 रुपए ये टारगेट दे रहे हैं, खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा जो लेवल है ये अक्वायर करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट 4 साल की ऊंचाई पर मारुति आज ऑलरेडी पहुंच चुका है, अगस्त 2018 के बाद ये आज के सबसे उच्चतम स्तर अब मारुति के बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट तेजी के तर्क भी इन्होंने काफी सारे बताए हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक के लिए मारुति सुजुकी अब तैयार होता हुआ दिख रहा है, और ये इसलिए इनको लग रहा है क्योंकि आने वाले जो नए मॉडल्स हैं उनसे काफी बेहतरीन प्रदर्शन करने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट जो ग्रैंड विटारा है, जिसकी हमने मैनेजमेंट से कल बात की थी, उनके बयान के अनुसार 54,000 से ज्यादा बुकिंग्स इनको ऑलरेडी मिल चुकी है ऑफिशियल लॉन्च के पहले। तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कस्टमर रिस्पांस इनकी एसयूवी को अब मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट नई लॉन्च भी होने वाली है जिम्नी नाम की एक कार, और अगले 2 सालों में बैंक ऑफ अमेरिका मानकर चल रहा है कि जो इनका मार्केट शेयर कम हुआ था 5 से 6% बढ़ते हुए नजर आएंगे जो भी इनके नए सेट ऑफ लॉन्चेस होने वाले हैं। इनफैक्ट अनुमानित आय में 6 से 8% और ईपीएस में 9 से 10% की बढ़त इन्होंने की है। तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त काउंटर ये बनने को अब तैयार हो रहा है एज पर बैंक ऑफ अमेरिका, और मैनेजमेंट का भी जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये 5 डिजिट में अब आने को क्लियरली तैयार हो रहा है। तो ये है मारुति पर एक्शन, 10,000 की रेंज में जाने को तैयार है मारुति, माफ कीजिएगा, और इसी पर राय दे रहे हैं हमें कुणाल जी भी। कुणाल जी बताएं सर, मारुति पर क्या है व्यू? अनिल जी देखिए, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने एक स्पेशल चार्ट कॉर्नर दिया था मारुति पर, खरीदारी की राय थी, और उस समय हमने कहा था कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और उससे पहले निचले स्तरों पर भी मैंने और राकेश जी ने अनिल जी दमदार इस पर कॉल दी थी। उस समय हमने ऑटो निफ्टी की भी बात की थी, तो मारुति डेफिनेटली 10,000 की ओर कुछ कर रहा है अनिल जी, चढ़ जाइए अनिल जी, 10,000 के लेवल इसमें आते हुए दिखे के लेवल। वाह क्या बात है, बड़े बुलिश हैं हमारे मारुति पर सारे के सारे एक्सपर्ट्स, ये आपके लिए आई है।